क्राइम ब्रांच और चार थानों की गठित पुलिस टीम ने वर्दी की आड़ में लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। दिलचस्प है कि बस्ती जिले में तैनात दरोगा धर्मेंद्र यादव ही लुटेरों का सरगना निकला है। साथ के दो सिपाहियों महेंद्र यादव और संतोष यादव के साथ खाकीदारी दरोगा ने गोरखपुर जिले में ताबड़तोड़ दो लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। खासकर सर्राफा कारोबारियों से सोना चांदी और नकदी लूट कर पुलिस को चुनौती दे ढाली थी। बुधवार को ही बस्ती पुलिस के दागी पुलिसकर्मियों ने दो सर्राफा कारोबारियों से चेकिंग का झांसा देकर 19 लाख का सोना और 10 लाख नकद लूट कर फरार हुए थे। हालांकि एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने वारदात को लेकर गंभीरता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर ही सनसनीखेज लूटकांड का खुलासा किया है। साथ ही सरगना दरोगा महेंद्र यादव समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने सर्राफा कारोबारियों से लूट की दो वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाने पर तैनात दरोगा महेंद्र यादव और उसके साथ के दो सिपाही सर्राफा कारोबारियों से लूट कर रहे थे। पुलिस ने बुधवार की घटना के दौरान लूटे गए सोना और नकदी की 100% बरामदगी की है। साथ ही शाहपुर थाना के खजांची चौराहे के पास से दिसंबर 29 को सर्राफा कारोबारी के मुनीब से लूटे गए चांदी की भी बरामदगी पुलिस ने की है। आपको बता दें कि वारदात के दौरान खाकी के दागी पुलिसकर्मियों ने खुद कस्टम अधिकारी बताकर लूटकांड को अंजाम दिया था। इसके साथ ही एसएसपी ने बताया कि गिरफ्त में आए तीनों पुलिसकर्मियों के अलावा दूसरे 3 आरोपियों में से शैलेश यादव 7C नाम से न्यूज पोर्टल चलाया करता है। साथ ही शैलेश यादव दागी पुलिसकर्मियों के लिए मुखबिरी किया करता था। शैलेश यादव को सूचना सर्राफा बाजार में सक्रिय दुर्गेश अग्रहरी दिया करता था। बहरहाल पुलिस ने कैंट और शाहपुर इलाके में हुए दोनों सर्राफा कारोबारियों से लूटकांड का खुलासा करके पुलिस की साख को बचाया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा। चौकी बता देना, चौकी बता देते हैं अपने कप्तान को। नोट आगे करो ना, अंदर जल्दी ले आओ। लूट की घटना दो सर्राफा व्यापारियों के साथ कारित किए हैं। टीम उस पर लगाई गई और 24 घंटे से भी कम समय में इसका खुलासा कर लिया गया है। इसमें 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। ये सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव हैं, पुरानी बस्ती थाने पे तैनात हैं ये। दूसरे आरक्षी हैं महेंद्र यादव, तीसरे आरक्षी हैं ये भी संतोष यादव। इसके अलावा ड्राइवर जो गाड़ी लेके आया था वह है देवेंद्र यादव, और सूचना देने वाला जो मुखबिरी करने वाला है ये शैलेश यादव। इस तरह से धर्मेंद्र यादव, महेंद्र यादव, संतोष यादव, देवेंद्र यादव, शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रहरी, ये 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इनके पास से 19 लाख रुपए नकद जो लूट का गया हुआ था पूरा पैसा, और लगभग 35 लाख अनुमानित कीमत का 19 लाख रुपए सहित सोना और चांदी बरामद किया गया है। सोना 345 ग्राम है जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है, और चांदी 4 किलो 77 ग्राम है जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। टोटल इस तरह से 35 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और ये 100% बरामदगी है। पूछताछ जब कड़ाई सी की गई तो एक घटना इन्होंने और स्वीकार की, जो इन्होंने 29/12/2020 को की थी। जनपद गोरखपुर के ही थाना शाहपुर एरिया में
और लगभग 1.5 घंटे तक सराफा को घुमाते हुए और कस्टम अधिकारी बनकर के इन लोगों ने लूट कारित की थी। उसका भी चांदी बरामद हुआ है, 4 किलो चांदी उसी घटना से रिलेटेड है। बाकी वाला पूरा 100% बरामदगी कल की घटना में हुई है। जो मुकदमा लिखा गया है और जो सराफा व्यापारी यहाँ उपस्थित भी हैं, जो वादी हैं, दोनों ने 100% अपनी बरामदगी बताई है और पहचान भी की है सामान की। इसमें दो आरक्षी और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती में तैनात है, जिनका नाम मैंने जैसे बताया धर्मेंद्र यादव, महेंद्र यादव और संतोष यादव है। इन लोगों सहित 3 अन्य लोग जो हैं, देवेंद्र यादव, शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रहरी, इन सब के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। और इनका सरगना जो है वो धर्मेंद्र यादव है, जो सब इंस्पेक्टर है, इसी के माइंड की उपज है और इसी ने ये दोनों घटनाएं कारित करवाई है सब लोगों के साथ मिल करके। हम इस पर NSA की कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर और गैंग पंजीकरण की कार्रवाई करेंगे। इन तीनों जो सब इंस्पेक्टर और दोनों आरक्षी हैं, इनकी बर्खास्तगी के लिए IG बस्ती साहब और SSP बस्ती को लिखा जा रहा है कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। इसके लिए इनकी लेटर लिखा जा रहा है। NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी और पुलिस ने, जनपद गोरखपुर की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से भी कम समय में 100% बरामदगी के साथ हमारी खुलासा किया है इस जनपद की टीम ने। उसमें थाना कैंट की पुलिस शामिल रही है, गीडा की पुलिस शामिल रही है, हमारे एडिशनल SP उत्तरी शामिल रहे हैं, चौकी इंचार्ज जो है रेलवे के और गीडा के जो लाइन हाजिर हुए उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। सभी ने CCTV फुटेज और अन्य जितनी भी हमारी सर्वेलांस की चीज़ें होती है, टेक्निकल सर्वेलांस और मुखबिरी होती है, उसके आधार पर इस घटना का सफलतम जो अनावरण है वो जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है। इन सबको सलाखों के पीछे भेजा है। इसमें गैंगस्टर और गैंग पंजीकरण और NSA की हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस वाले बनकर के ही लूट की है इन्होंने, जैसा CCTV फुटेज में भी सामने आया। हमने कई जगह से CCTV फुटेज कलेक्ट किए हैं, थाना कैंट एरिया के भी और शाहपुर एरिया के। लगभग यह व्यापारियों को इस तरह से ले लेते थे कब्जे में कि भई आपके पास अवैध सामान है या किस तरह का सामान है, तस्करी का माल है, क्या माल है आप लोगों के पास। इसको लेकर के पुलिस वाले बनकर चेकिंग के नाम पर इन लोगों ने यह घटना कारित करी है और पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया है। इनके पास यहाँ तक कि पुलिस की जो वर्दी है उसका एक गलत इस्तेमाल किया है और पुलिस की वर्दी में रहते हुए गलत काम किया है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बर्खास्त की कार्रवाई इसलिए की जा रही है और NSA की भी कार्रवाई हम लोग धर्मेंद्र यादव पर कर रहे हैं ताकि यह नज़ीर बन सके अन्य पुलिस कर्मियों के लिए और सरकारी कर्मियों के लिए कि पुलिस में रहते हुए इस तरीके का अगर कोई काम करेगा तो अपराधियों से भी सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाएगी। गिरफ्तारी इनकी पेडलेगंज चौराहा के पास से हुई है, हमारे पेडलेगंज चौकी क्षेत्र से हुई है, जनपद कैंट से ही हुई है गिरफ्तारी और इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये लोग पुरानी बस्ती थाने पर तैनात हैं और यहाँ पर वो बिना किसी को बताए हुए आए हैं और घटना कारित करके गए हैं। तो ड्यूटी पे तो ऑफकोर्स नहीं होंगे क्योंकि जनपद बस्ती की पुलिस का गोरखपुर जनपद में कोई काम ही नहीं है, तो ड्यूटी पे यहाँ तो ड्यूटी पे नहीं थे और अवैध रूप से अनुपस्थित होके, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होके थाने को छोड़ करके जनपद गोरखपुर में आकर के यह घटना कारित। इसमें शैलेश यादव जो है यह पत्रकार भी बताता अपने आपको, सेवन सी चैनल का अपने आपको पत्रकार बताता है। इसको वेरीफाई कराएंगे हम कि यह पत्रकार है अथवा नहीं। यह सूचना देता था दरोगा जी को, सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव को, जो शैलेश यादव है यह, और शैलेश यादव को सूचना मिलती थी दुर्गेश अग्रहरी से, जो यहाँ निचलोल का जनपद महाराजगंज का है, जहाँ के सराफा व्यापारी भी है। यह भी सराफा काम करता है क्या? थोड़ा प्रॉपर्टी डीलर है और सराफा मार्केट के आसपास रहता है। सराफा मार्केट्स की जितनी सूचनाएं होती है वह सूचनाएं दुर्गेश अग्रहरी के पास किसी न किसी रूप में रहती है और कौन कब कहाँ जा रहा है सराफा उसके बारे में सूचना दुर्गेश अग्रहरी ने शैलेश यादव को दी। शैलेश यादव जो अपने आप को पत्रकार तथाकथित बताता है, यह पत्रकार है अथवा नहीं इसकी भी हम लोग जाँच करेंगे। यह शैलेश यादव जो है सूचना देता है, इसने सूचना धर्मेंद्र यादव को देता था, धर्मेंद्र यादव अपने साथ सिपाही लेकर के यहाँ आकर के घटना करते थे। शैलेश यादव वहाँ से आता था, जो तथाकथित पत्रकार है वो भी घटना में आते था और मौके पर रहता था। तो शैलेश यादव और ये पुलिस वाले जो है वो मौके पर रह करके घटना को कारित करते थे। तो एक तरीके से
घटना में पूरी तरह से बराबर के शरीक है। शाहपुर में यही सेम टीम है शामिल, इसमें इन लोगों ने शैलेश यादव ने ही सूचना दी धर्मेंद्र यादव को, और धर्मेंद्र यादव ही आए थे, उसमें ये दो सिपाही नहीं थे, जो सिपाही महेंद्र यादव और संतोष यादव ये सिपाही शाहपुर की घटना में शामिल नहीं थे। धर्मेंद्र यादव से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इस घटना में, और जो भी एक आध कोई और शामिल भी होगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, सेम इसी तरीके की जिससे इन लोगों के खिलाफ। अभी तक दो घटनाओं को कारित किया है शाहपुर और कैंट में, और यही चीज़ बताई है, इनसे हम लोग और पूछताछ करेंगे क्या कोई और घटना कारित की अथवा नहीं, और हमारे पास इन्हीं दो घटनाओं की सूचना भी है, इसके अलावा किसी घटना की सूचना नहीं है कि पुलिस की वर्दी में इस तरह से किसी ने लूटपाट की हो। पुलिस कर्मी जो हमारे जनपद गोरखपुर के हैं उनको 25,000 रुपये का इनाम मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं, और DGP साहब के यहां मैं अनुशंसा कर रहा हूं, लेटर भी लिख रहा हूं ADG साहब और IG साहब को भी कि इनको पुलिस टीम को पुरस्कृत करें, क्योंकि ये कंटिन्यूस 24 घंटे तक काम करके इस घटना को वर्कआउट करने में सफलतम भूमिका निभाई है, और इसके लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे शासन से कि इनको पुरस्कृत किया जाए। सिर्फ पैसे के लिए जो पैसा बरामद होता था वो आपस में बांट लेते हैं, और मैन तो इसमें सरगना चूंकि धर्मेंद्र ही है तो सबको सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र यादव को पैसा मिलता था और सामान मिलता रहा होगा, और हम लोगों ने चूंकि पूरा बरामद कर लिया है, और इन पर हम 14A की कार्रवाई भी करेंगे, जो इन्होंने कोई संपत्ति बनाई है अगर किसी तरीके की तो उस संपत्ति को भी अवैध संपत्ति को भी इसका जब्त करेंगे।